दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। अब मैं आ जाता हूं, ब्लड प्रेशर हाई है। वैसे तो ब्लड प्रेशर हाई और लो होना ये काल्पनिक चीज है, कभी बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन अगर आपके मन में बैठ गई है तो इतना ही जान लीजिए कि आपको जब लग रहा है और डॉक्टर कोई कह रहा है कि आपका बीपी हाई है, तो समझ लीजिए इसको बागवती जी दूसरे सूत्र में कहते हैं कि रक्त की अम्लता बढ़ी हुई है, एसिडिटी बढ़ी हुई है। अब रक्त में अम्लता है तो अम्लता को खत्म करने के लिए क्षारीय चीज खाएं, क्षार चीज खाएं, क्षार। अब क्षार वाली चीजें क्या है? सबसे अच्छी क्षार की चीज है मेथी, सब्जी के रूप में भी और दाने के रूप में मेथी। दूसरी क्षार वाली चीज है, आप में से जैन है तो वो नहीं खाएंगे, लेकिन जो जैन नहीं है उनको बता देता हूं, गाजर। तीसरी क्षार वाली चीज है कोई भी ऐसा फल जिसमें रस नहीं है, कोई भी ऐसा फल जिसमें रस नहीं है, सेब ये क्षारीय है, केला ये क्षारीय है, अमरूद ये क्षारीय है। कोई भी ऐसे फल याद रहेगा आपको जिसमें रस नहीं है, ये सब क्षारीय है। सब्जियों में पालक क्षारीय है, बैंगन क्षारीय है, आलू के बारे में कहते हैं ना अम्लीय ना क्षारीय, वो बीच का है। तो जो सब्जियां आपको क्षारीय हैं और जो मसाले माने औषधियां क्षारीय, इनका उपयोग करें तो अम्लता अपने आप कम होगी, तो ब्लड प्रेशर कम होगा, तो ट्राइग्लिसराइड कम होगा, मोटापा भी कम होगा, सब कुछ कम होगा आपका। तो हमेशा याद रखें, तो मेथी दाने का उपयोग मैंने बता दिया है, पानी में डाल के रात को छोड़ दें, सुबह उठकर दाना चबा के खाएं, पीछे से पानी पिए। गाजर का उपयोग बता दिया, कद्दूकस में घिसें, गाजर ले लें और वो कद्दूकस की गाजर को खा लें। और क्षारीय चीज मेथी की सब्जी रोज खाएं, पालक की सब्जी रोज खाएं, हरे पत्ते की कोई भी सब्जी क्षारीय होती है, हरे पत्ते की कोई भी सब्जी क्षारीय होगी, और फल जिसमें रस नहीं है वो सब क्षारीय होंगे, बस याद इतना ही रखें। तो आप अगर उपयोग करेंगे तो हाई ब्लड प्रेशर तो जाएगा ही, उसके साथ ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा, ट्राइग्लिसराइड कम रहेगा, मोटापा कम होगा, पेट आपका कम होगा, और उसके अंत में हार्ट अटैक आएगा नहीं, ब्लॉकेज भी है तो निकल जा। और एक क्षारीय चीज मैं भूल गया बताना, लौकी, दूधी। सब्जियों में सबसे ज्यादा क्षारीय कोई चीज है तो दूधी, माने लौकी ज्यादा खाएं, दूधी ज्यादा खाएं, और उसका रस भी पिए कच्ची दूधी का तो और अच्छा है। जितने भी हाई बीपी के मरीज हैं दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।